जी सॉरी फॉर इंटरप्शन, ये मैं दोबारा करता हूँ इसको. द बेगर प्रेड दैट गॉड माइट रिवॉर्ड दैट, दिस का बन गया दैट एक्ट ऑफ. अब योर्स जो है वो चेंज होगा बाहर वाले ऑब्जेक्ट के मुताबिक. जब ऑब्जेक्ट ही कोई नहीं है, जब कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है यहाँ पे, तो हम क्या लगाएंगे? या तो हम समझ लें कि यहाँ पे आई है या फिर वी है, सॉरी आई है या ही है. तो आई का प्लूरल जो होता है वही होता है, ही का प्लूरल दे होता है, तो हम यहाँ पे लगा देते हैं, कोई भी लगा सकते हैं. एक्ट ऑफ आवर्स या एक्ट ऑफ डेयर्स फुल स्टॉप. अच्छी बात है जी. चेंज द वॉइस, शी वॉज टेलिंग जोक्स. शी इसमें सब्जेक्ट है, वॉज टेलिंग वर्ब है, जोक्स ऑब्जेक्ट है. ऑब्जेक्ट सबसे पहले आ जाएगा, जोक्स वर बीइंग टोल्ड बाय हर. व्हाई डिड यू मेक अ नॉइस, वाई का वाई शुरू में आ गया, आ नॉइज है ना, तो जाहिर है सिंगुलर है वो, आ नॉइज सिंगुलर है इसमें, तो उस वजह से फिर डिड की वजह से वॉज वर आएगा. नॉइज सिंगुलर है तो फिर वॉज आना चाहिए, वाई वॉज अ नॉइज मेड बाय यू, एंड पे क्वेश्चन मार्क. ही डिलीवर्ड अ फाइन स्पीच, ये सब्जेक्ट है, डिलीवर्ड वर्ब है, अ फाइन स्पीच सारे का सारा ऑब्जेक्ट है, वो शुरू में आ जाएगा. अ फाइन स्पीच, अब डिलीवर्ड सेकंड फॉर्म है ना, तो इसमें फिर वॉज वर आ जाएगा, वॉज डिलीवर्ड बाय हिम. उसके बाद नंबर थ्री, नंबर फोर, यू हैव डिसीव्ड अस, इसमें यू है सब्जेक्ट, यू इसमें सब्जेक्ट है जी. Have deceived verb है, us इसके अंदर object है. Us को शुरू में लेके आएंगे, we बन जाएगा, we have been लगेगा साथ में, deceived by you. Always respect your elders. अच्छा, अब ये जब कोई काम करने के लिए कहा जाता है ना, तो वो जाहिर है नसीहत की जाती है, रिक्वेस्ट की जाती है, ऑर्डर किया जाता है, तो कहते हैं वो अपने बड़ों का हमेशा अदब करो. इस तरह के लफ्ज़ जो, इस तरह के सेंटेंसेस इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, जो काइंडली से, प्लीज से, डू नॉट से, ऑलवेज से शुरू होते हैं, ये फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, इनमें सब्जेक्ट होता ही नहीं है. तो क्या करेंगे इसमें, हम लेट से शुरू करेंगे. लेट योर एल्डर्स Be respected. Always end पे लगा दें. अच्छा, इसके बाद लास्ट में जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर फाइव, चूज द राइट ऑप्शन, ये है वो पेयर ऑफ वर्ड्स. फर्स्ट में ऑनररी आएगा, सेकंड में मोमेंट्री, थर्ड में योक अंडे की जर्दी जो होती है, फोर्थ में एडवाइस, और उसके बाद इलिसिट नाजायज जिसे कहते हैं. फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर फाइव का बी पार्ट, उन्होंने कहा नेम द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ एवरी वर्ड. पांच होते हैं ये, और पांच का एक एक नंबर होता है, हर लफ्ज़ का एक एक नंबर होता है, तो पांच नंबर बन जाते हैं इसके. तो टू सी इज टू बिलीव. अब देखें ना, टू जो है, टी ओ टू, ये प्रेपोजिशन है. सी कहते हैं देखने को, ये वर्ब है. इज भी वर्ब है, टी ओ टू फिर आ गया, ये भी प्रेपोजिशन है. बिलीव जो है ना, यकीन करना, ये वर्ब है.
उसके बाद हमारे idioms आ गए. ये था हमारा पेपर. उसके बाद बाकी जो है सेक्शन बी का ऐसे है और प्रेसी है. और प्रेसी का जो पैसेज है मैंने बताया था आपको, ये भी मैं किसी दिन अपलोड करूँगा इसका लेसन कैसे करना है इसको. तो थैंक यू वेरी मच.